ताजा रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस के 9 पूर्व सीएम चुनाव हार रहे हैं, जिसमें शीला दीक्षित, भूपेंद्र हुडा, हरीश रावत, अशोक चौहान, शिंदे दिग्विजय, मुकुल शर्मा और मुइली नवाम शामिल है। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी को बधाई दी और साथ ही शांति विकास की बात कही। दूसरी खबर आसनसोल से है। आसनसोल के बीजेपी के बाबुल सुप्रियो 1,39,000 वोटों से जीत हासिल की है। यहाँ दूसरे नंबर पर AICTC के उमुनमुन सेन रहे। यूपी के अमरोहा से खबर है। यूपी के अमरोहा से BSP के उम्मीदवार दानिश अली 65,000 वोटों से जीत चुके हैं। इन्होंने यहाँ बीजेपी के कुंवर सिंह तनवार को हराया है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। हाँ जी, राहुल गांधी ने इस्तीफा देने की पेशकश की। दूसरी सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अपने नाम से चौकीदार हटाया और सभी को नाम से चौकीदार हटाने की अपील की। पंजाब से बड़ी खबर है, गुरदासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सन्नी देओल 77,000 वोटों से जीत चुके हैं। बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की। गिरिराज सिंह ने यूथ आइकॉन कन्हैया कुमार को 4,19,000 वोटों से हराया। चंडीगढ़ में बीजेपी की किरण खेर ने कांग्रेस की पवन कुमार को हराकर जीत हासिल की। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी के सतीश गौतम ने फिर से बाजी मारी। सतीश गौतम ने 2,25,000 वोटों से BSP के अजीत बलियान को हराया। यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निरहुआ का 2,54,000 वोटों से हराया। यूपी के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के राजकुमार चौहान ने कांग्रेस के राज बब्बर को 4,70,000 वोटों से हराया। यूपी के केराना से बीजेपी के प्रदीप कुमार ने BSP की तबस्सुम हसन को 90,000 वोटों से हराया। यूपी के लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह ने पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को 4,45,000 वोटों से हराया। यूपी के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के प्रेम सिंह को 90,000 वोटों से हराया। यूपी की सबसे हॉट सीट वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी ने 4,80,000 वोटों से जीत हासिल की। यूपी के सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के राघव राम लखनपाल को हराया। यूपी के अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 47,000 वोटों से हराया। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ST हसन ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 1,00,000 वोटों से हराया। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान ने 90,000 वोटों से बीजेपी की जय प्रदा को हराया।